फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति जैन और आज का जो वीडियो है वो है एसएससी सीएचएसएल 2021 का एग्ज़ाम रिव्यू और एग्ज़ाम एनालिसिस भी कह सकते हो आप। आज मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में, जो कि 12:30 से 1:30 बजे तक था। भोपाल में मेरा सेंटर था। मैं अभी सेंटर से वापस आई हूँ और अभी मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मैं स्टेशन पर ही हूँ और ये वीडियो मैं स्टेशन पर शूट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने एफर्ट्स हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनका आने वाले एग्ज़ाम्स में सीएचएसएल का एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो आज सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। सबसे पहली चीज़ होती है, लोग मुझसे पूछते हैं अटैम्प्ट कितने किए आपने, तो मैंने 86 अटैम्प्ट करे हैं। मैं आपको सेक्शन वाइज भी बता देती हूँ कि मैंने कौन से सेक्शन में कितने अटैम्प्ट करे हैं। मैंने इंग्लिश में 23 अटैम्प्ट करे हैं, मैंने रीजनिंग में 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, मैथ्स में मैंने 25 से 25 अटैम्प्ट करे हैं और जीके में मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। अब इससे आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है। मैथ्स आज वाली शिफ्ट में बहुत ईजी आई थी, कैलकुलेटिव तो बिल्कुल नहीं थी, मैं कहूँगी आराम से बहुत डूएबल थी क्वेश्चन। आज की शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो डिफ़िकल्ट कहूँगी मैं, क्योंकि सब बहुत आराम से वन गो में बन गए थे। सिर्फ 2 क्वेश्चन थे जो मैंने वन गो में नहीं बना पाई थी, तो मैंने उसके लिए सेकेंड राउंड में चेक किया था। बाकी हो सकता है कि आज की शिफ्ट सेकेंड सबसे इजी शिफ्ट हो, क्योंकि उसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। रीजनिंग आ रही है और रीजनिंग में आज मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन आए थे। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3। उसके अलावा मैं बताऊँ तो जीके, जैसे कि कहा था कि आर्ट एंड कल्चर बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, मेरी शिफ्ट में आज पॉलिटी से 1 क्वेश्चन था। और उसके अलावा ऐसा कोई सा भी सेक्शन नहीं है, मतलब जीके में भी आप कहेंगे तो 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं जीके में। उसके अलावा आप कहें कि बाकी सेक्शंस डिफ़िकल्ट है, तो बाकी सेक्शन नॉर्मल आ रहे हैं, आराम से करने वाले हैं। आप आराम से 80+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। और आने वाली शिफ्ट के लिए जिनको भी कुछ डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी कमेंट सेक्शन में। मेरा इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आज की जो पहली और दूसरी शिफ्ट थी उनकी बोलूँ तो उनका मुझे अभी तक आइडिया नहीं लगा है। मेरे साथ वालों ने दिए हैं पेपर, बट मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ। बाकी आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था इजी था, इजी ही बोलूँगी, मॉडरेट भी नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने जैसे थे और जो 3 सेक्शन हमें एक्यूरेसी के साथ बनाने चाहिए वो तो करने जैसे थे। बाकी आने वाली शिफ्ट के लिए ऑल द बेस्ट, बाकी अच्छा ही रहेगा पेपर आपका भी, ईजी ही आ रहा है पेपर, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है।